हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पे। तो आज का वीडियो है अमेजोन हॉल का, और अमेजोन से मैंने कुछ सामान मंगाया है और अभी आया है। ये दोनों पार्सल आए हुए हैं, एक ये है और एक ये है। तो अभी क्या क्या है मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें मैंने ऑर्किड मंगाए थे, अभी देखती हूँ कैसे आए हैं तो आपके साथ शेयर करती हूँ। देखिए अभी मैंने खोला नहीं था, खोलती हूँ। एक्चुअली ऑर्किड मैंने काफ़ी लगा रखे हैं और पहले भी मैं मंगा चुकी हूँ इस साइड से। अच्छे आए थे प्लांट, छोटे थे बट अच्छे थे, हेल्दी थे। और इस बार किस तरह से आए हैं मैं आपके साथ वो दिखाती हूँ। ये देखिए अच्छी पैकिंग करके देते हैं। और ये पड़े हैं मुझे 600 के, 599 के, तीन तीन प्लांट हैं ये देखिए। और ये देखिए इस तरह से आते हैं, पॉट के साथ आते हैं और ठीक हैं, हेल्दी हैं, छोटे हैं बट हेल्दी हैं। और इस तरह से देखिए छोटे से पॉट में लग के आते हैं। तो एक ये है ये देखिए, और दूसरा ये है। इसमें नाम भी लिखा है, इसमें लिखा है सुपरनोवा रेड। अब इस तरह का निकलेगा कि नहीं मालूम नहीं, सुपरनोवा रेड लिखा हुआ है देखिए इस तरह से। अच्छा पिछली बार जो मैंने मंगाए थे तो उसमें स्टिक लगी हुई थी, जो स्टिक लिख के डाल देते हैं ना प्लास्टिक की, वो लगी हुई थी और लिखा भी था। इसका मिट गया है, पता नहीं चल रहा क्या है, ले पानी पड़ गया आई थिंक तो मिट गया है। और ठीक है कोकोनट हस्क में तो कोकोनट के जो चिप होते हैं उसमें लगे हुए हैं और पन्नी से ऐसे किया गया है। बट मुझे लगता है कि पिछली बार जो आए थे काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, बट ये भी अच्छे हैं, हेल्दी हैं, ठीक है। तीन प्लांट आए हैं देखिए, और तीनों अलग अलग वैरायटी दिखाते हैं। और देखिए अब कौन से, मुझे लग तो रहा अलग है क्योंकि लीफ से पता चल रहा है, और होपफुली अलग हूँ, जब खिलेंगे तब पता चलेगा। ये देखिए ये तो डेंडोरियम की वैरायटी लग रही है, और देखती हूँ क्या क्या। तो ये तीन प्लांट हैं जो मैंने मंगाए, देखिए इस तरह से ये है ऑर्किड जो पौधे मेरे ऑनलाइन आए हैं, अमेजोन से मंगाए हैं। ये देखिए हेल्दी हैं, अच्छे हैं, ठीक हैं। तो 600 के पड़े हैं तीन प्लांट, तो 200 का एक, 200 एक, ये देखिए इस तरह से। और इनके साथ ये भी निकला है एक पर्चा, और इसमें ये डेंडोरियम केयर के बारे में लिखा हुआ है सारा। देखिए 1 2 3 कैसे लगाएं, कैसे इसकी सॉइल मीडिया बनाएं, सब कुछ लिखा हुआ है। तो ऑर्किड के साथ ये भी दिया है उन्होंने, और ये लिविंग कलर से आया है, और इसके साथ सारी केयर टिप्स भी लिखी हुई हैं ऑर्किड की। तो ये, और मैंने इसी के पॉट भी मंगाया था, तो अभी मैंने ये फर्स्ट टाइम मंगाए हैं, तो देखती हूँ किस तरह से आए हैं। जो उसके होते हैं ना टेराकोटा वाले पॉट होते हैं वो मंगाए थे, तो क्योंकि ऑर्किड के लिए टेराकोटा वाले और जो होल जैसे बने होते हैं ना, क्योंकि उस काफ़ी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है चारों तरफ से, इससे होल बने हों, तो उस तरह से यहाँ पर नहीं मिलते हैं, तो मैंने इसलिए ऑनलाइन ऑर्डर दिया था। आप कैसे आए हैं देखती हूँ, मैंने फर्स्ट टाइम ऑर्डर दिया है। तो इनका पड़ा है 854 के पड़े हैं, दो दो हैं, दो ऑर्डर किए थे। अब कितना बड़ा है देखती हूँ साइज किस तरह से आया है, तो ये अभी आपके साथ ही शेयर करती हूँ। अभी मैंने खोला है क्योंकि प्लांट थे उसमें तो मुझे तुरंत ही खोलना पड़ा, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर देती हूँ, जैसे कि अगर आपको मंगाना हो, मंगाना चाहें तो आप मंगा सकते हैं। ये देखिए पैकिंग अच्छी है, ठीक से पैक करके दिया है जिससे डैमेज ना हो। और ये है, तो ये एक्चुअली काफ़ी छोटे हैं, मुझे लग रहा था बड़े होंगे बट उस हिसाब से काफ़ी छोटे पॉट आए हैं। ये देखिए इस तरह से होल होते हैं इसमें, ये देखिए इस तरह से, जिससे कि इसका ना एयर चारों तरफ से एयर मिलती रहे। बहुत छोटे पॉट आए हैं, तो मुझे नहीं समझ आया ये काफ़ी छोटे पॉट हैं देखिए, और कॉस्टली काफ़ी हैं,
उस हिसाब से तो बहुत छोटे हैं, 854 के हैं, तो काफ़ी कॉस्टली पड़ गए उस हिसाब से, काफ़ी छोटे हैं। देखिए इस तरह से काफ़ी छोटा है, और ये इसके साथ ट्रे भी है, इस तरह से नीचे रख दो, इस तरह से है ये। ये दो दो पॉट आए हैं, ये बढ़िया सी पैकिंग काफ़ी अच्छी थी, इसमें थर्मोकोल में बढ़िया सा पैक किया था जिससे ख़राब ना हो बट। और इस तरह से देख रहे, देखिए तो जो ये दिखाया गया था ये 6 इंच का पॉट था, और वो तो ये 6 इंच होगा आई थिंक, बट 6 इंच इतना छोटा होता मुझे लगता कि 4 इंच ही होगा। तो ये पॉट आए हैं, तो पॉट अच्छे हैं बट मुझे छोटे लग रहे हैं। ये देखिए इस तरह से ये दो पॉट आए हैं, उस हिसाब से कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। तो इनको अभी फ़िलहाल मैं से पानी में थोड़ा रख देती हूँ कि काफ़ी ड्राई हो रहे हैं, और कल या परसों फिर रिपोर्ट करूँगी, अभी तुरंत नहीं रिपोर्ट करूँगी, अभी इसी में रहने दूँगी। जब रिपोर्ट करूँगी तब आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी कैसे रिपोर्ट करते हैं ऑर्किड को। तो इस तरह से आप भी देख सकते हो, और ये देखिए ये है, इसमें पानी भर के रख देते हैं जैसे बताया था मैंने उसमें, और इसके ऊपर थोड़ा सा पत्थर डाल दीजिए तो इसके ऊपर रखते हैं, तो इससे ना फिर इसको मॉइस्चर थोड़ा सा मिलता रहता है, भाप बन के उड़ता रहता है पानी, तो ह्यूमिडिटी बना के रखते हैं, इसलिए ट्रे ज़रूरी होती हैं। मैंने प्लास्टिक वालों में भी प्लास्टिक के ट्रे लगा के रखे हुए हैं, उससे काफ़ी ठीक चल रहे हैं मेरे ऑर्किड। तो इनकी मैं पन्नी निकाल दूँगी और इनको मैं थोड़ा सा भी पानी में रखूँगी थोड़ी सी, जैसे इनको क्योंकि ड्राई काफ़ी इनकी रूट्स हो रही हैं थोड़ा सा, इनको जैसे कि मॉइस्चर मिल जाए। तो ये था आज का वीडियो अमेजोन हॉल का, आई होप आपको पसंद आया होगा और कुछ ज़रूरी जानकारी मिली होगी। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को मेरे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें जिससे कि मैं और वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।